आज हमारा टॉपिक है बड़ों की जो मोहब्बत होती है, आपस में दोस्तियां होती हैं और बहुत एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि हम जी बहुत मोहब्बत करते हैं। लड़का लड़की की भी होती है, मियां बीवी की भी होती है। लेकिन मुझे आज तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये एक्सपीरियंस रहा कि मोहब्बत ऑफ कोर्स दुनिया में है, और लेकिन क्या है कि बहुत डिफरेंट स्टाइल में है। जो नज़र आ रही होती है थोड़ी दिखाई देती है, कुर्बानी हो रही होती है थोड़ी बहुत, थोड़ा कुछ थोड़ा ये थोड़ा वो चल रहा होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो मतलब है मोहब्बत का, वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही मुश्किल मरहला है। हाँ, बहुत ही मुश्किल। तो एक्चुअली ये सिर्फ कुर्बानी जो है, सेक्रीफाइस ही है इस मोहब्बत में, और जो देना चाहता है कुर्बानी मोहब्बत में वो बिल्कुल दे सकता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई लोग देते हैं, फिर एक दफ़ा एक लम्हा ऐसा आता है कि फिर वो तंग आ जाते हैं, कुर्बानियां दे दे के थक जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा, सामने वाले को तो समझ ही नहीं आ रहा। तो लेकिन क्या है कि मोहब्बत एक यूनिवर्सल थिंग है। अगर यूनिवर्स में मोहब्बत नहीं होगी तो पूरी कायनात जुड़ नहीं सकती। जब वो जुड़ नहीं सकती तो फिर जाहिर है इंसान भी नहीं जुड़ सकता। तो वो वहाँ पे है, जैसे इंटरनेट दिखाई नहीं देता, इस तरह मोहब्बत वो वाली जो है हम लोगों ने कभी कैप्चर नहीं की। जो बुज़ुर्गों ने, जिन लोगों ने कैप्चर की, उन लोगों के बहुत नाम हैं। उन लोगों को आज उनकी रेफरेंसेस और उनके वो दिए जाते हैं कि भाई देखो उन्होंने ये किया, तो उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और कहानियों में बड़ी ताकत होती है। मतलब अगर फॉर द टाइम बीइंग एक कहानी आप जिस सिचुएशन में हो और वो कहानी वहाँ फिर फिट बैठ जाती है, तो आपका दिल को धारस मिलती है और आप में ताकत आ जाती है। मैंने अभी तक यही सीखा है। बड़ी मुश्किल से ये मेरी समझ में आया कि कहानी में कितनी ताकत है। फिर मुझे ये भी समझ आया कि लोग ड्रामा सीरियल इतने शौक से क्यों देखते हैं। मैं बहुत कम और डिफरेंट किस्म के शोज़ देखती हूँ जिसमें मुझे सिर्फ नॉलेज अगर मैं गेन कर रही हूँ तो उसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने लोगों में, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, सब जगह शेयर करती हूँ, और बड़ा मुझे हल्का और बहुत अच्छा महसूस होता है। तो कहानी तो उसमें भी होती है, फिर वो ऐसे लोगों की कहानी होती है कि बहुत ही हायर लेवल की होती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी ताकत लगती है। और उस ताकत का मतलब ये है कि आपको तमाम उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो नहीं होती इंसान से। ताकत बहुत लग जाती है इसमें, और धीरे 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 लर्न करता है इंसान और वहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, जो लोग पहुँचे वो इंसान ही पहुँचे, और आप लोगों को हम सबको तमीज़ सिखाई और लोगों से मोहब्बत करना, अखलाक देना, मतलब वो क्या कहते हैं, ज़कात देनी या कोई भी दान देना, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने सिखाई। तो उसमें बड़ी वजह थी, और एक बात और भी बड़ी ज़रूरी सिखाई थी कि अगर आप किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो उसको सबसे पहला जो आपका बहुत ही खूबसूरत, अगर आपको अपनी जान छुड़ानी किसी भी टेंशन से, किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे आप परेशान होते, तो सबसे पहले आप उसे माफ़ कर दो। तो हम वो नहीं करते, हम माफ़ नहीं करते, हम में वो क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि हमें हमारी ईगो को कहीं जाके धक्का लगता है, और हमारी ईगो जो होती है वो हमें लेके चल रही है, हमारी बॉडी को लेके चल रही होती है, और उसको जाके वो खंजर लगता है ईगो को, तो वो कभी भी माफ़ करने को तैयार नहीं होती। वो रिवेंज लेने को 24/7 तैयार रहती है ईगो। तो जब हम ईगो को पकड़ लेते हैं तो हमारे रिश्ते भी बच जाते हैं, हमारी दोस्तियां बच जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके साथ अगर आपको दोस्ती नहीं भी रखनी, ताल्लुकात नहीं भी रखते, तो आप अगर उसको माफ़ कर देते हैं तो उससे आपकी जान छुट जाती है। सामने वाला तो आप छोड़ देना, सामने वाले के लिए हम लोग कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, तो लेकिन आप रिलीज हो जाते हैं। अगर हर रिलीजन ने, हर बुजुर्ग ने, हर नॉलेजेबल इंसान ने अगर आपको ये सिखाया कि आप माफ करो, तो उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। सोचे कि क्या साइंस है?
उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस ये है कि जब आप माफी देते हैं तो सबसे पहले आपका तन मन धन धन भी रिलीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, मन भी तन भी सारे पट्टे उट्टे सब नॉर्मल हो जाते हैं। जब तक आप उसे माफ नहीं करते तब तक ये सारे शोल्डर आपकी यूं गर्दन यूं अटकी रहती है, दिमाग जो है यूं गलत गलत सोच रहा होता है और बहुत बुरा हाल होता है जिस्म का। फिर उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिप्रेस, अगर आप बदला नहीं निकाल सक रहे उस वक्त तक या आप उसको कुछ कहने का मौका नहीं मिल रहा, तो उस वक्त तक आप इतने ज्यादा आपकी वेन्स थक चुकी हैं उस मसले को याद कर करके कि अब वो बीमारी की तरफ चल पड़ी। तो इसलिए जो कोई भी आया है दुनिया ने उसकी इसकी उसने इसकी साइंस को समझा, इसकी फिलॉसफी को समझा और फिर ये बोला कि माफ करो। किसी ने कहा कुदाल डालो, किसी ने कहा मट्टी डालो, किसी ने कहा फॉरगिव कर दो, किसी ने कुछ कुछ, बहुत हर लैंग्वेज में आपको ये बताया गया कि माफी दो। माफी देते के साथ आप रिलीज होते हैं, इसके पीछे ये बहुत बड़ी साइंस है। आप जैसे रिलीज होते हैं तो आपका पूरा जो जिस्म है और जितना तनाव है वो सारा का सारा रिलीज होने शुरू होता है, रिलैक्स हो जाता है। चलो छोड़ो यार, जब जैसे ही ऐसा बोलते हैं आप तो वो आप उस बात से, उस टेंशन से, उस तकब्बुर से, उस ईगो से, उस सारी तकलीफों से बाहर आ जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर हम ये लर्न कर लें, मगर ईगो ऐसा करने नहीं देती। आप माफ करने के बाद भी अगर चलो कोई एक आध माफ कर भी देता है, हौसला कर ही लेता है, लेकिन वो उसको याद जरूर करता है। मतलब उसको कहीं ना कहीं चलो ठीक है हमने माफ किया, हमने ये कर दिया, लेकिन यूं करके होगा माफ, ये माफी होगी। ऐसा नहीं होगा कि सच में जैसे अपनी औलाद को माफ किया जाता है, अपने बहन भाइयों को या अपने पेरेंट्स की कोई बात बुरी लग जाती है उनको माफ किया जाता है, सच्चे दिल से ही करता ना बंदा, तभी उनसे बात कर सकता है, तभी उनको खाना खिला सकता है, तभी उनके साथ गपशप कर सकता है ना सच्चे दिल से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस काबिल लिटरली नहीं होते कि उनके साथ आप कंपनी करें, उनके साथ वक्त गुजारें, आप उनके साथ टाइम पास करें, तो ठीक है एटलीस्ट आप उनको माफ करके कहें कि थैंक यू सो मच, मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, जो भी था, जो मुझे बुरा लगा वो मैंने छोड़ा, जो तुम्हें बुरा लगा मुझे भी माफ करो और बस जाओ जाओ चले जाओ हमारी जिंदगी से। उसको अगर नहीं बोला तो एटलीस्ट आप अपने दिल में ये बात कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस बात को ठीक, आपकी सेहत ठीक रहने का बहुत बड़ा राज है माफ करना। और अगर आप माफ कर देते हो तो फिर आपको बहुत सफलता मिलेगी। पीछे की लाइट जो है ब्लैक एंड वाइट और दिल चाह रहा है मैं कहूँ इसी बात पे हम लोग खत्म करते हैं। और आप डरिएगा नहीं अगर रात को देख रहे हैं वीडियो को, भूत नहीं आने वाला, भूत हमारे अंदर ही है, उसको निकालिए बाहर। वो ईगो का भूत होता है जो सर चढ़ के बोलता है, और ईगो को इतना इस्तेमाल करें जितना आपकी विल पावर में काम आ सके। आप अपने रिश्तों को संभालिए और बहुत प्यार करिए अपने आप से भी और दूसरों से भी। लव यू, थैंक यू सो मच।